मैच को देखने के बाद तो लिटरली कह सकते हैं कि दिस मैच लिटरली लिट अप द नेशनल टी20। और कैसे 34 पे 7 आउट होने के बाद, जब शायद मैंने जैसे कहा कि प्रेजेंटेशन की तैयारी हो रही होती है या आप सोच रहे होते हैं कि जी अब अगले मैच में देखते हैं क्या होगा, ये मैच तो फिनिश, बट टेक अ बॉल सेन एंड अनवर अली एंड दानिश अजीज, मतलब ये मिशन इम्पॉसिबल था जिसको पॉसिबल कर दिया। देखिए क्रेडिट गोज टू दानिश अजीज और अनवर अली, जिस तरह से उनको बिलीव था अपने ऊपर, और दानिश ने तो ये प्रेजेंटेशन जब हो रही थी तब उनको अवार्ड दिया, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि नहीं मैच को चाह रहा था कि लास्ट तक मैच लेके चले, सिचुएशन पता लग जाएगी कि जी क्या है। और फिर एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट, जो बीइंग अ बैट्समैन जो होती है कि वो उसके माइंड में होता है ओवर्स किस तरह से डिवाइड किए गए, उसने इसी क्लियर इंडिकेशन की थी कि मुझे पता था कि एक ओवर इनका कहीं 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 ना कहीं ये रखेगा और वहां मुझे वो एडवांटेज मिलेगा। तो ये जो एक ट्रूली टेंशन और एक ट्रूली माइंडसेट का गेम होता है ना, वो आज दानिश अजीज ने एक दफा फिर स्टेट नेशनल टी20 कप में जाहिर किया है, और सिलेक्टर्स को आई एम श्योर बहुत जबरदस्त किस्म का नॉक किया होगा कि जी मैं भी हूं इस रेस में। और ये आपने जो बात की ना कि नॉक किया, यही नेशनल टी20 से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ताहिर, कि हमें यंग परफॉर्मर्स मिले ऐसे जिनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। दानिश अजीज कोई पॉपुलर नेम नहीं था इस नेशनल टी20 से पहले अमंग द मास्टर्स, क्रिकेट सर्कल में लोग जानते हैं, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है इससे पहले भी दानिश अच्छा कर रहे हैं। सिंध की तरफ से हसान और सरफराज ने कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा मैच फिनिश किया, अब वो नंबर 3 पर भी आ गए। तो ये है कि वो जो सितारे गर्दिश में थे वो सितारे जो है बड़ी जबरदस्त चाल चल रहे हैं। और इसमें और एक बात है ताहिर, हम ये सब ये बात कर रहे थे कि सिंध की जो पावर हिटिंग की डेप्थ है, अनवर, इससे पहले सुहेल ने एक मैच में लिटरली मैच फिनिश कर दिया था, वो मैच भी जीत सकते थे, और अब दानिश अजीज, हसान खान, तो सिंध तो एकदम मुझे लगता है कि बड़ी पावरफुल टीम बन के उभरी है, और उनके जो सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे वो पीछे चले गए हैं। और ये जो जीत थी ताहिर, ये कितनी इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉइंट्स टेबल, क्योंकि अब नंबर 3 पर आ गए हैं और प्रेशर डाल दिए बलोचिस्तान पे, सेंट्रल पंजाब बाबर आजम ने अच्छा उनको लिफ्ट अप किया है, बट आई थिंक दिस विक्ट्री ऑफ सिंध रियली वाइड ओपन द टेबल। देखिए क्रेडिट गोज टू देयर मैनेजमेंट, जो कोचिंग स्टाफ है, कप्तान हो गया, प्लेयर्स हो गए, किस तरह से आया मुश्किल वक्त में। एग्जैक्टली, जिस वक्त आपकी टीम बिल्कुल डाउन हो रही थी, कि सरफराज की सारी प्रेस रिलीज उसमें यही आ रहा था कि नहीं कोई बात नहीं, हम वी कैन डू इट, एक मैच की बात है, जो एक मैच जब उनको मिला, फिर सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस, फिर आज के जो मैच है स्पेशली, क्योंकि डाउन द ऑर्डर आके जब 37/7 हो जाते हैं तो फिर आपको कलबली मचाती है कि अब क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये भी आ जाता है। फिर आज अनवर अली के बेसिकली मैं अगर बात करूं, जिस तरह से अनवर अली ने चारों तरफ शॉट खेले, अमूमन अनवर की जो पावर हिटिंग में जब बैटिंग आती है तो आप अमूमन टारगेट टाइम लिया स्ट्रेट और मिड ऑन या मिड विकेट, लेकिन आज अनवर ने कट भी खेला है, कवर के ऊपर से भी 2-3 चौके मारे, मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ना, आज परफेक्टली सिंध की टीम ने वो एक्सपीरियंस शो किया है अगेंस्ट वन ऑफ द एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के सामने। तो ये क्रेडिट जाता है सिंध की पूरी मैनेजमेंट की टीम को, क्योंकि इन लड़कों की अमूमन लड़कों को, ऐसे लड़के तो नहीं है दानिश अजीज की अगर मैं बात करूं, अननोन नहीं है, नेशनल टी20 में खेला है इसने, 2 साल पहले की एक परफॉर्मेंस मैं बताऊं, फाइनल हो रहा था वनडे कप का, इसी तरह से फमाद आलम के साथ मिलके 130 रन की पार्टनरशिप की थी 7वें नंबर पे आके। तो इसने ये है इस लड़के के अंदर कैपेबिलिटी कि ये डेप्थ ओवर तक पूरा मैच लेके जाता है, और लेफ्ट हैंडर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल, हमारे पास अब अगर टी20 की टीम देखें, हमारे पास लेफ्ट हैंडर नहीं है, अगर ये लेफ्ट हैंडर हमें आगे चल के कहीं मदद दे सकता है पाकिस्तान टीम में, तो मैं समझता हूँ वन ऑफ द गुड और बेटर स्टार ये बन सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं ताहिर, कि पहली दफा उन्होंने ऐसा नहीं किया, इससे पहले वो एक मैच में ऑलरेडी ये करके दिखा चुके हैं। और थोड़ा सा इसकी अगर हम डिटेल बता देंगे कि केपी और ऑब्वियसली ये मैच था सिंध के दरमियान, और फिर इस मैच के अंदर सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने 138 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, अगेन फखर जमान 0 पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद नीचे आकर मुसद्दिक ने 25 किए, चिनवारी ऑब्वियसली बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में स्टार बने, उन्होंने एक तरह से हिलाया सिंध की टीम को, शायद सिंध की टीम यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने जरूर मैच को जो है वो लंबा होने दिया, शायद वो बहुत कम स्कोर पे केपी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। 15 गेंदों पर जनाब 36 रन बनाए उस्मान चिनवारी ने, यस उस्मान चिनवारी जो बॉलर हैं उन्होंने जो है वो आज ये कारनामा करके दिखाया, अच्छा बॉलिंग डिस्प्ले अगेंस्ट सोहेल खान, 3 विकेटें ली हैं, हसान की 2 हैं, हसनैन 2 हैं, एक अच्छा कंप्लीट बॉलिंग यूनिट बन गया सिंध ने बॉलिंग की। लेकिन जब बैटिंग शुरू हुई हम बता चुके हैं 34/7, और टेलीफोन के नंबर लग रहे थे जनाब, हर प्लेयर आ
आ रहा है जा रहा है, लेकिन फिर दानिश अजीज 72 of 47, 8 चौके जनाब, 4 छक्के, और फिर उसके साथ अनवर अली ने बड़ी मैच्योर और एक कहते हैं ना रिक्वायरमेंट के लिहाज से इनिंग खेली, 32 पे 33, जैसा कि अनवर अली नहीं करते, 32 वो खेलते हैं तो फिर 50-60, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दानिश अजीज का साथ दिया। और इससे ये चीज़ साबित हुई ताहिर के इस टूर्नामेंट में हमने जैसे देखा था 200 something वाले जो मैचेस थे, अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा लो स्कोरिंग। आपका क्या ऑब्जर्वेशन रही जो रावलपिंडी के अंदर जो पिचेस यूज हो रही हैं, थोड़ा सा लगता है ये स्लो ट्रैक या जो एक लो स्कोरिंग मैच है, इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? देखिए गफार भाई, हमने मुल्तान में देखा कि वहाँ बैट कर रहे थे, लेकिन कहीं कहीं आपको थोड़ी सी चांस टू द फास्ट बॉलर स्पेशली, क्योंकि हमें फास्ट बॉलर में यहाँ पर कहीं भी चांस है, लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी ग्रास, लाइवली ग्रास, ग्रीन ग्रास मिली, वहाँ फास्ट बॉलर का स्विंग भी हुआ, सीम भी हुआ बॉल। अब्बास की बात करें, आज अनवर अली ने जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये सीमर्स है बेसिकली ये लोग, तो यहाँ पर बैट्समैनों का इम्तिहान आपका हो रहा है कि जी आप बैट्समैन कितने पानी में, कि इन कंडीशंस में बैट्समैन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई नहीं पता कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर किस वक्त क्या कंडीशंस आपको मिले। इंडिया में तो है, लेकिन आपको लग तो बगैर जाहिर लगता है कि जी के स्पिनिंग ट्रैक होगी, क्या पता अगर वहां कोई ग्रासी पिच मिल गई, तो ऑलरेडी वी आर प्रिपेयर्ड अबाउट दीस ट्रैक्स। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ कि क्यूरेटर जो वहां के हैं ये डिफरेंट चेंजेस लाने चाहिए, कम लो स्कोरिंग पे डिफेंड करना, फिर लो स्कोरिंग को चेस करना, फिर कम, जैसे आज के मैच में बिल्कुल 37 for 7, फिर सडनली एक वो स्कोर चेस करना, तो ये इसमें जो कहते हैं ना इंप्रूवमेंट, वो अब हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आती जा रही है, तो विच इज क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और देयर मैनेजमेंट और देयर कोचेस। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हाई स्कोरिंग मैचेस में रन चेस, और उसके बाद अब इन लो स्कोरिंग मैचेस में बॉलर्स का डिफेंड करना, फिर बैट्समैनों का जैसे दानिश ने करके दिखाया, तो ये एक अलग डायमेंशन ऐड कर रहा है नेशनल T20 की वैल्यू को। और ऑब्वियसली चूंकि इस बार मैन ऑफ द मोमेंट है दानिश अजीज, सो ताहिर टेल अस समथिंग मोर अबाउट दानिश अजीज, जो लोग नहीं जानते उनके बारे में, टेल अस समथिंग अबाउट देम। जो उनकी परफॉर्मेंस है वो पहली मर्तबा नहीं इस टूर्नामेंट में, वो 2 से 3 मर्तबा झलक दिखा चुके थे, लेकिन आज जो उन्होंने करके दिखाया, आई थिंक उसके बाद किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं रही कि वो कंटेंशन में होने चाहिए अब जो पाकिस्तान की T20 टीम के सेटअप बनते हैं। तो फार भाई, जब T20 स्क्वाड अनाउंस होता तो उस वक्त दानिश का प्लेइंग 11 के अंदर चांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहां आसिफ शफीक भी थे, एहसान अली भी थे, आपके शर्जील भी थे, सारे आप हमेशा अपने फर्स्ट प्रेफर उन्हीं को देते हैं जो आपके बेस्ट होते हैं, सेकंड फिर आपके बेंच स्ट्रेंथ आती है, तो दानिश उस वक्त बेंच स्ट्रेंथ था। लेकिन एक चीज और कॉन्फिडेंस इस बच्चे में ये है कि ये कहीं पर भी क्रिकेट खेला है, वो क्लब क्रिकेट खेला हो या T20 डिफरेंट क्रिकेट खेला हो, असल में ये T20 क्रिकेट कराची में बहुत खेलता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। और नाइट क्रिकेट हो गई या ये बेसिकली हंग्रीनेस होती ना इंसान में, ये इसके अंदर है, कामनेस आपने देखी इसकी, कितना पोलाइट, और उसको पता है कि यार मैंने क्या करना है, क्या डिलीवर करना है। तो ये दानिश ने पहली दफा ऐसा चीज नहीं की, हम कई दफा जैसे मैंने आपको बताया वनडे टूर्नामेंट में भी, फाइनल में कराची के लिए जब खेल रहे थे उस वक्त उसने परफॉर्म किया, फिर ऐसी सिचुएशंस आई जब ये डिपार्टमेंट के लिए खेलते थे वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया वनडे में, तो ये कहीं ना कहीं वो हो रही थी, लेकिन वो हाईलाइट टीवी के मैच में ज्यादा होती है। लेकिन दानिश ने बैक टू बैक जो अपने ये इनिंग्स खेली है, और खासतौर पर आज की इनिंग्स, मैं समझता हूँ ये आज की इनिंग उसको बहुत आगे लेके जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब ऑब्वियसली एक व्यूअरशिप है इस टूर्नामेंट की, हाइप बनी हुई है इसकी, बहुत अच्छी कवरेज हो रही है, और अगर हम बताते चले आपको कि ऑब्वियसली जो नॉर्दर्न है वो इस वक्त टॉप कर रहे हैं, उनके 12 पॉइंट्स से क्वालिफाई कर चुके हैं वो सेमीफाइनल के लिए, खैर पख्तूनख्वा के 10 पॉइंट्स हैं, उनको एक जीत चाहिए। सिंध अब नंबर 3 पर आ गए हैं, जबकि ऐसा ही लग रहा था कुछ अर्से पहले कि सदरन और उसके अलावा जो सिंध है इनका शायद आखिरी पोजीशन के लिए मुकाबला हो रहा है, बट सडनली दे राइज टू नंबर 3, और उसके बाद बलोचिस्तान जो ठीक ठाक जा रहे थे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब उनको भी अपने आप को थोड़ा सा लिफ्ट अप करना होगा उनके 8 पॉइंट से। लेकिन ताहिर, जो अब तक की पॉइंट टेबल की सिचुएशन है, एक चीज तो हमने जरूर देखी कि पिंडी की हवा जो है वो उन टीमों को जरूर रात आई जो प्रॉब्लम में थी, और लोएस्ट रैंक टीमों ने इस टूर्नामेंट में फिर यहाँ आकर बड़ी टीमों को हराना शुरू किया, विच इज गुड फॉर द टूर्नामेंट। बाबर के आने से सेंट्रल पंजाब, उनकी बैटिंग देखने का मजा आ रहा है, कल भी क्या कमाल की इनिंग खेली, सो कुछ हवा तब्दील हुई तो तब्दील हुए रिजल्ट भी। देखिए बिल्कुल यही खूबसूरती है T20 क्रिकेट की, क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस आपके पास वापस आता है, फहीम अशरफ वापस आया, बाबर आया, वासिफ वापस, आपके सोहेल अख्तर वापस आया, तो ये क्लास है बेसिकली ये। अब खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ते वो T20 की जो थोड़ी सी हमें डिम लग रही थी स्टार्टिंग ऑफ द डेज, अब वो आहिस्ता आहिस्ते वापस हो रही है, और वो खूबसूरत तौर पर आपको एक ट्रे में एक चीज वापस हमें मिल रही है, तो ये बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है, और ये परफेक्ट
परफेक्ट लर्निंग प्रोसेस है जी, अपने उन सीनियर्स के साथ खेलें जो पाकिस्तान के कप्तान है, पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया, हफीज हो गए, मलिक हो गए, वहाब हो गए, सरफराज, बाबर आजम है, शिरमारी है, शाहीन शाह, आफरीदी है, ये वो सब, और उनके साथ जो जो लड़के खेलते जाएंगे वो फिर पॉलिश होते जाएंगे. अब हमारा क्या टाइम है, हमने वो परफेक्ट लड़के उठाने उन कैटेगरीज के हिसाब से, उनको फिर हमने पॉलिश करना है इनके बैकअप्स बनाने के लिए. तो हमारे पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अब हम सेकंड पाकिस्तान की T20 टीम भी स्टार्ट स्टैंड कर सकते हैं जब ये इनकी रिप्लेसमेंट हमें मिले. तो बिल्कुल रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है, फिर बैकअप आपके पास होना चाहिए. और जनाब ऐसा नहीं कि आज जो सिंध और केपी का मैच था उसमें सिर्फ दानिश अज़ीज़ की इनिंग की हाईलाइट थी. जो कैच एक हुआ है, अगर हम आपको स्क्रीन पे आप दिखा देंगे कुछ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा रिजवान ने. और ये कैच अगर आप अब आपके सामने स्क्रीन पर आ गए, तो ताहिर सीधी सीधी बात करूंगा, जॉन्टी रूट्स की याद आ रहा हो गई. और रिजवान जाने जाते हैं अपनी फील्डिंग के लिए, उन्होंने जब मुझे याद है श्रीलंका क्लब आई थिंक जो पहली सीरीज थी वहां भी इस तरह का कैच रन आउट किया था. और ये तो मुझे लगता है एक से ज्यादा बार देखे जाने वाला कैच है, अगर इसको अब ये आपका अगर स्लो मोशन में भी देख लें. ताहिर योर व्यूज, क्योंकि रिजवान के अंदर वो है स्पार्क, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं. और आई थिंक दिस कैच, ऑब्वियसली आज वो तो नहीं हुआ कि कैचेस विन मैचेस, बट ये कैच, ज़ाहिर हाउ यू डिस्क्राइब दिस, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट का, और अब तक रिजवान के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट कैच होगा इनके पूरे कैरियर का. क्योंकि विदाउट ग्लव्स बहुत मुश्किल काम होता है, विदाउट ग्लव्स विकेट कीपर को होके, क्योंकि आप टूवर्ड्स एक्स्ट्रा कवर से आप रन कर रहे हो स्ट्रेट बिहाइंड द एम्पायर, विच इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग. और विकेट कीपर के लिए तो वैसे ही मशहूर है कि आप जब आप पैड के बगैर होते हैं आपसे भागा नहीं जाता. लेकिन रिजवान की जो एनर्जेटिक एथलेटिक जो उसकी बॉडी है आज उसने शो की है. और जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की बात होती ना, ही सेड कि नहीं मैं भागूंगा, जबकि शोएब मलिक मिडॉन पे थे, शोएब मलिक कैन रीच इजली, क्योंकि शोएब मलिक की स्प्रिंट सबको पता है बहुत तेज है. लेकिन रिजवान का जो कॉन्फिडेंस, और रिजवान ने जैसी बॉल ऊपर गई है ही सेड यस, जो कॉलिंग की होती है ना, जो हम मिसिंग की बात करते हैं, तो ऊपर ही रिजवान ने एक एनर्जी और एक एग्जाम्पल, थिंग इज इम्पॉसिबल. बिल्कुल आपने ठीक कहा. और अच्छी एक और बात यह सिंध की जीत की कि खैबर पख्तूनख्वा की जो बहुत मजबूत टीम है उनके खिलाफ ये कामयाबी हासिल की है, जो बहुत ज्यादा इनके मोराल को हाई करेगी. पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो दूसरा मैच है और फिर जो जिम्बाब्वे की सिलेक्शन है और टूर्नामेंट के बाकी लड़कों की परफॉर्मेंस, उसको बात करेंगे. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. ये तो नजर आ रहा है कि सदर पंजाब के पास अब चांस ज्यादा नहीं है, क्योंकि 6 मैचेस हार गए, शायद 4 या 6 पॉइंट्स होते तो बात बन सकती थी. बट ऑब्वियसली सेंटर पंजाब के पास मौका मौजूद है, क्योंकि बाबर आजम जिस तब से इस टीम को ज्वाइन किया है 200 प्लस रन बनाए, एक दफा आउट हुए, 165 का स्ट्राइक रेट है. और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं उन्होंने तो पूरी टीम से प्रेशर ले ऑफ कर दिया है. कामरान को भी, बल्कि मुझे लगता है थोड़ा चांस मिल रहा है कि वो बाबर ने उनको बिल्कुल रिलैक्स कर दिया कि रन बन रहे हैं. सेंटर पंजाब की आप कॉम्पोजिशन कैसे देख रहे हैं? राइट टाइम पे उन्होंने भी क्लिक किया, बट ऑब्वियसली दे नीड सम एटलीस्ट 2 मोर विंस. देखिए बाबर के आने से ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस है वो उनको मिला है, और जो मिसिंग अलाइनमेंट था उनकी, जो एज एन ओपनर्स की तरफ से जो उनको स्टार्ट नहीं मिल रहा था वो अब मिलना शुरू हुआ है. फिर कामरान अकमल पे भी प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है कि बाबर के आने से. फिर हमने देखा कि जो लास्ट मैच जो हुआ है जिसमें कामरान अकमल स्ट्रगल करे तो बाबर ने पेस कैरी किया, फिर जब बाबर थोड़ा आए तो फिर कामरान अकमल ने पेस कैरी किया. तो ये पार्टनरशिप होती है बिटवीन इनके, और फिर एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है. एक चीज में बड़े अच्छे जो मुझे कल नजर आई है कि जहां उसने देखा कि जी 2 लेफ्ट हैंडर आए हुए, बाबर ने फौरन देखा कि जी, तो फौरन अपने ऑफ स्पिनर को ले आया कासिम को, जिसमें कम उसने बॉलिंग की थी, लेकिन उस कासिम ने जो 3 ओवर अपने सर्कल में किए पूरा मैच वहां से चेंज हुआ है. तो ये जो कैप्टेंसी की जो चीज है ना, जो साद नसीम जब कर रहे थे जब बाबर नहीं थे उनकी एब्सेंस में, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी. तो ऑब्वियसली ये मैं समझता हूँ कि बाबर के आने से बड़ा एडवांटेज है. और जितने यंगस्टर्स हैं अब बाबर उन यंगस्टर्स से परफॉर्मेंस निकलवा रहे हैं, और उसकी शेप में आपको उनके उनको विक्ट्री मिलनी शुरू हो गई है. जो अगर ये बैक टू बैक 2 विक्ट्री और मिल जाती है तो ये ऐसा पॉइंट्स टेबल में खलबली मचेगी ना, तो फिर सबके लिए मुश्किल होगा. और फिर इन द एंड अगर पॉइंट्स बराबर हो गए तो फिर रन रेट पे ये आएगा या एवरेज पे आएगा. बिल्कुल, अब बाबर आजम के लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है. पाकिस्तान के T20 कप्तान है, और ये जो टूर्नामेंट के अंदर उनकी फॉर्म, और फिर जिस तरह ताहिर ने मेंशन किया कि अच्छी बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस उनका जरूर इससे रीच होगा. कल जो मैचेस हुए थे नेशनल T20 के वो भी बड़े जबरदस्त थे, उनके हवाले से रिपोर्ट हम रेडी है, आपको वो दिखाते हैं, फिर आके इन मैचेस से बात करते हैं.
कौन होगा बाहर, कौन होगा टॉप फोर में शामिल। नेशनल टी20 में हर मैच अहम हो गया। रावलपिंडी में जारी इवेंट में बलूचिस्तान की टीम सेंट्रल पंजाब के खिलाफ 125 रन बना सकी। फास्ट बॉलर अहमद बशीर ने 4 विकेट अपने नाम की। जवाब में बाबर आजम की शानदार बैटिंग ने सेंट्रल पंजाब को 9 विकेटों से फतह दिलवाई। इस दौरान बाबर आजम ने टूर्नामेंट के तेज तरीन 1000 रन मुकम्मल किए। शानदार शॉट, बाबर आजम ने इस बार खड़े खड़े छक्का लगा दिया। मुसलसल तीसरी निफ्ट सेंचुरी बनाने वाले बाबर आजम ने 64 रन बनाए। वो इस साल टी20 में 942 रन बनाकर सबसे आगे हैं। 4 रन बाबर आजम को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त। एक और मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने 7 रन पंजाब के खिलाफ 206 रन का पहाड़ खड़ा किया। फखर जमान 68 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में 7 रन पंजाब की बैटिंग भी नाकाम हो गई और पूरी टीम 132 रन पर ऑल आउट हो गई। So, आपने रिपोर्ट देखी कल के मैचेस की, और ताहिर अब तक जो हम बात कर सकते हैं, अब क्योंकि कंटेंशन है पाकिस्तान जिम्बाब्वे सिलेक्शन की और तमाम नजरें अब हैं तमाम कोचेस पर भी और मिसबाउलर के पे, हम क्या जो है वो प्लान करते हैं। ये जो परफॉर्मेंस यंगस्टर्स की आई हैं और फिर जिम्बाब्वे सीरीज, ऑब्वियसली एक हमारे पास ऐसी सीरीज जरूर है जहां हम अपने यंगस्टर्स को चांस दे सकते हैं, किन यंगस्टर्स को आप समझते हैं ताहिर कि हमें मौका देना चाहिए। नेशनल टी20 इतनी हाई, इतना इसका हम बारे में बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर हमें यंग लड़के यहाँ से अब इंडक्ट करने चाहिए। ठीक है, ये बेस्ट मौका है, और ये जितने यंग लड़के चाहे वो मिडिल ऑर्डर पे हों या एज एन ओपनर्स हों या ऑलराउंडर्स हों, ये परफेक्ट टाइम है कि उनको प्लेटफॉर्म हमने देना है इंटरनेशनल क्रिकेट का। ठीक है, चाहे मैं अगर ये अच्छा आज बाबर दानिश अजीज की मैं बात करूँ, वो हो गए, अनवर अली इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, अनवर अली को आप चांस दे सकते हैं, फॉरन टीम आ रही है। फिर अब्दुल्ला शफी की अगर हम बात करें कि वो ओपनर में है, जैसे हैदर अली को भी इंजरी का थोड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है, तो वो उनके रिप्लेस आप उनको भी खिला सकते हैं। तो आपके पास लड़के हैं, अब बात ये है कि किस वक्त किन स्टेज पे किन नंबर्स पे उन लड़कों से आपने परफॉर्मेंस लेनी है। तो फॉर्म जिस वक्त फॉर्म आती है ना प्लेयर की, उसी वक्त आपने परफॉर्मेंस देनी है। कि फॉर्म जाने के एक साल के बाद आप लड़के को इंडक्ट नहीं करें, वो फिर जाया हो जाती है वो चीज। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, होनी चाहिए, और फिर ये मिसबा के लिए भी एक इजी सेटिस्फेक्शन होगा कि जी यंगस्टर को हमने चांस दिया। अगर यंगस्टर क्लिक कर गया तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वर्ल्ड कप के आने के लिए। तो ये बेस्ट टाइम है मिसबा को कि यहाँ पर टेस्ट करें लड़कों को। सरफराज की परफॉर्मेंस पर हम बात करते हैं, क्योंकि बड़े अरसे बाद उन्होंने जो आखिरी मैच, ये वाला नहीं, इससे पिछला मैच जो सिंध ने जीता था हसान के साथ मिलकर जिनकी पार्टनरशिप थी, बहुत अरसे बाद हमें वो सरफराज नजर आए जो जाने जाते हैं अपनी फियरलेस बैटिंग के लिए, बहुत अच्छी उनकी अप्रोच होती है। लेकिन काफी इस बारे में बात हो रही है ताहिर कि जो पाकिस्तान का जो टेस्ट का विकेट कीपर है वो तो रिजवान डिसाइडेड हो गए इंग्लैंड सीरीज के बाद, बहुत अच्छा खेल कर आए, वनडे में भी ऑलमोस्ट उनकी प्लेस अब तक दिखाई देती है। टी20 में लोग ये कहते हैं कि ना रिजवान और फिर सरफराज भी अब तक जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही या जो उनका सितारा गर्दिश में रहा, उनकी अभी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के तौर पर जगह नहीं बन रही। क्या आपके ख्याल में हम ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा स्लॉट है हम विकेट कीपर का, आइदर वो तो फिर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करें वो दिखाई नहीं देता, हालांकि रिजवान कर रहे हैं, बट नीचे पावर हिटिंग का एलिमेंट मिसिंग है जो हमारे विकेट कीपर्स में नहीं है। कोई बैकअप है इसका, कोई और अल्टरनेट हम ढूंढ सकते हैं? देखिए ऑल्टरनेट फिर आप वही ढूंढ सकते हैं कि जो बैट्समैन से आप विकेट कीपिंग करवा लें, क्योंकि अगर आप पावर हिटर कोई ऐसा है जिसे आप करवा सकते हैं, अगर आपके उस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर है कि जिससे हमें आगे चल के काम लेना है वर्ल्ड कप के अंदर, तो आप ये भी करवा सकते हो, ऑप्शन है। फिर रिजवान को आप वापस रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि जो जेन्युइन विकेट कीपर होता है गफार भाई, वो जेन्युइन होता है, जो कैचेस होते हैं, जो प्लानिंग की जाती है, बॉलर से बात की जाती है, बैट्समैनों की कमजोरियां, वो जेन्युइन विकेट कीपर बता सकते हैं, वो आपको ये पार्ट टाइमर इस तरह का नहीं बता सकता। तो सरफराज की बात है कि सरफराज की फॉर्म अभी लगी है, आज के मैच में भी अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी थी सरफराज की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। आगे चल के जितने भी मैचेस मिलते हैं अगर उसमें वो परफॉर्म करते हैं तो आई एम श्योर सरफराज और रिजवान आपके पास दो ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप उसमें जा सकते हैं। फिर आपने डिसाइड करना है कि फॉर्म किसकी है, जो बेस्ट होगा वो प्लेइंग विनर होगा। जी हाँ, जो बेस्ट होगा यही तो रेस होनी चाहिए। और पाकिस्तान के जो कुछ स्लॉट्स हैं, ओपनिंग में शरजील खान की बात करें, रहमान के साथ मुकाबला है, नीचे ऑलराउंडर्स के लिए भी अहमद बट अब अनवर अली ने भी इसमें जो है वो एंट्री दी है, खुर्शीद शाह मौजूद थे लेकिन अब दानिश अजीज भी आ गए, तो ये है नेशनल टी20 का वो रखलिफ ऑप्शन, तो खिलाड़ी प्लेस के लिए लड़ते हुए दिखाई दें। कुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो आज का दूसरा मैच है उस पर बात करेंगे और साथ उसकी अहमियत पर कि पॉइंट टेबल पर इसका क्या असर पड़ेगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अपडेट को आप तक